शांति। आज 1 मार्च 2022 की बाबा की साकार मुरली ही, मुरली की महावाक्य ही, मीठे बच्चे तुम्हें अपनी तकदीर हीरे जैसी बनानी है, पुरुषार्थ कर बाप से स्वर्ग का पूरा पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न है, कौन सा राज बुद्धि में अगर युक्ति युक्त बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी। उत्तर है ड्रामा का। इस ड्रामा में हर एक्टर को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, जो बजाना ही है। कोई का भी पार्ट घिसता व मिटता नहीं, बनी बनाई बन रही। इसमें हेर फेर भी नहीं हो सकती। कल्प पूरा होगा तो फिर से वही पार्ट सेकेंड बाय सेकेंड रिपीट होगा। यह बहुत गुह्य राज है। जो युक्ति युक्त बुद्धि में बैठे तो खुशी रहे, नहीं तो मूंझते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मूंझो नहीं, बाप में निश्चय रख, पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। गीत है, तुम्हें पाके हमने, ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय बच्चों ने गीत सुना। ड्रामा अनुसार समझ में आता है कि तुम अभी बने हो ईश्वर के बच्चे। ईश्वर से तुम स्वर्ग का मालिक बनने आए हो अथवा स्वराज्य लेने आए हो। नरक के मनुष्य मात्र तो यह जानते ही नहीं कि स्वर्ग क्या होता है। तुम तो जानते हो, बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, रावण फिर नरक की स्थापना करते हैं, यह भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो, हम बाबा से स्वर्ग की राजाई ले रहे हैं। जब कोई मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, गोया अपने को कहते हैं हम नरक में हैं और सब नरक के मालिक हैं। यह बिल्कुल सहज बात है, मूंझने की दरकार नहीं। तुम्हारी तकदीर अब हीरे जैसी बन रही है। हीरे जैसी तकदीर बाप के सिवाय कोई बना नहीं सकते। तुम जानते हो कि बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। नर्क कितना समय चलता है, कोई को भी समझाओ तो कहते हैं सतयुग को तो लाखों वर्ष हुए। तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट, गॉड फादर द्वारा स्वर्ग का वर्षा पा रहे हो, फिर बाबा को भूलते क्यों हो? यह बाबा को समझ में नहीं आता है। तूफान तो बहुत आएंगे, तब क्या बिगर मेहनत तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे? कोई मरा तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, फिर रोते क्यों हो? तुमको तालियां बजानी चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। अगर स्वर्ग में जाना इतना सहज है, फिर तो सबको गोली दे दो तो स्वर्ग में पहुंच जाए। फिर यहाँ दुख में रहने की दरकार ही क्या पड़ी है? दुख में मनुष्य जहर खाकर भी मर जाते हैं। सिपाही कितने मरते हैं, एक दो को भी मारते हैं। बाबा कहते हैं सबको समझाओ, जबकि स्वर्ग गया तो फिर तुम रोते क्यों हो? वास्तव में न कोई स्वर्ग में जा सकते हैं, न वापिस निर्वाण धाम में जा सकते हैं। अब तुमको स्वर्ग में चलने का उपाय बाप ही बताते हैं। स्वर्ग का रचयिता जब स्वर्ग रचे, तब तो स्वर्ग में कोई जावे ना। अब स्वर्ग का रचयिता बाप आया हुआ है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। जब रावण राज्य शुरू होता है तो देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। उसी समय से विकार शुरू हो जाते हैं। रावण राज्य कब शुरू होता है, उसका कोई दिन मुकरर नहीं है। तुम बच्चे यह थोड़े ही कह सकेंगे, बाबा ने कब इनमें प्रवेश किया? जब साक्षात्कार हुआ तब आया वा कब? साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही होते हैं। पता नहीं पड़ता कि बाबा किस समय आया। कृष्ण के आने की घड़ी दिखाते हैं, शिव बाबा की घड़ी आदि कुछ होती नहीं। बाबा तो मालिक हैं, कब आते हैं पता नहीं पड़ता है। यहाँ मुरली से समझ जाते हैं। बाप समझाते हैं, मैं कालों का काल हूँ, मैं सबको वापिस ले गया था,
सतयुग में तो थोड़े थे, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। सभी आत्माओं को वापिस जाना है, जरूर पंडा चाहिए ले जाने वाला। मैं रूहानी पंडा बनकर आया हूँ, तुमको ले जाऊंगा नई दुनिया के लिए, तुमको पढ़ा रहा हूँ। नर्क स्वर्ग क्या है, कितना समय चलता है, कब शुरू होता है, कोई भी सन्यासी आदि नहीं जानते हैं। रचता भी एक है, सृष्टि भी एक है। शास्त्रों में तो आताल पाताल आदि बहुत सृष्टियाँ बनी हैं, बहुत सृष्टियाँ बना दी हैं। जिनको ढूंढते रहते हैं, समझते हैं एक एक स्टार में दुनिया है। बाप कहते हैं, मैं फिर से तुमको गीता का ज्ञान सुनाता हूँ, क्राइस्ट को फिर अपने समय पर आना है। ड्रामा एक ही है, सतयुग में सिवाय देवी देवता राज्य के और कोई होता नहीं। अभी तुम जानते हो, हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं, याद करते ही है पतित पावन आओ, तो जरूर संगम पर ही आना पड़ेगा। अभी तुम जानते हो हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या लेने आए हैं। तुम कहेंगे हम बाबा का वर्षा लेने आए हैं, हम राजयोग सीख रहे हैं, कल्प कल्प वर्षा लेते हैं और गवाते हैं। अभी फिर पुरुषार्थ करना है, पूरी नॉलेज लेकर औरों को देनी है, नहीं तो वृद्धि कैसे होगी। गीत कितना अच्छा है, इनका अर्थ तुम बच्चे ही समझते हो। गीत कितना मीठा है, तुम्हारे दिल से लगता है। बाबा आपसे हम ऐसा राज्य लेते हैं जो कोई भी लूट न सके। यह है अविनाशी वर्षा जो अविनाशी बाप से मिलता है। अनादि वर्ल्ड ड्रामा अनुसार अथवा गीता के कथन अनुसार फिर से बाबा गीता सुनाने आया है, जिसमें राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म कर दिया है, युक्ति से समझाने वाला भी चाहिए। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समा गया, आत्मा तो अविनाशी है, उनको पार्ट भी अविनाशी बजाना है। उनका पार्ट कभी घिस नहीं सकता, कभी मिट नहीं सकता, बनी बनाई बन रही, उसमें अदली बदली भी हो नहीं सकती। कितना वंडर है, इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। कल्प पूरा होगा तो फिर ऐसे ही पार्ट रिपीट करेंगे, सेकेंड बाय सेकेंड वैसे ही पास होगा। ड्रामा को भी पूरा युक्ति युक्त समझना है। कई तो इन बातों में मूंझते हैं। पहले तो बाप में निश्चय होना चाहिए कि बाप से जरूर वर्षा मिलना है। कल्प कल्प भारत को ही मिलता है, 84 जन्म भी लेने पड़े वर्ण भी जरूर समझाने हैं। यह स्मृति एक दो को दिलानी है कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। सभी तो नहीं आकर पढ़ेंगे, देखते हो सेंटर खुलते जाते हैं, जहाँ नर्कवासी आकर स्वर्गवासी बनते हैं। बाबा को लिखते हैं, हम प्रबंध कर सकते हैं, मुझे कोई वस्तु में ममत्व नहीं है, यह सब कुछ ईश्वर अर्थ है। अब आप जो राय दो मैं भी लिखता हूँ, भल आपस में राय करो। जहाँ अच्छी लोकलिटी हो वहाँ सेंटर खोलो। हिम्मते मर्दा मदते बाप है, बाबा कितना खुश होता है, दिल में समझता है ऐसा दान तो अच्छा होता है। बहुतों को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना, यह बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का चाहिए। कितना सहज रीति बाबा कोड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। ऐसा बाबा रहते देखो कितना साधारण है। कहा आए हैं कोई राजा के पास क्यों नहीं आए, कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसने 84 जन्म एक्यूरेट पूरे किए हैं। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस तो यह है ना, इनका नाम भी रखा है श्याम और सुंदर। तुम बच्चे इसका भी अर्थ समझते हो। उन्होंने अर्थ को न समझने के कारण
काला कर दिया है। मुख्य शिव बाबा का लिंग भी काला, कृष्ण राम को भी काला कर दिया है। एक तरफ गोरा फिर दूसरे तरफ काला क्यों? जगन्नाथ के मंदिर में शक्ल ऐसी दिखाते हैं जैसे अफ्रीकन लोग। कहा कहा नारायण को भी काला कर दिया है, कहा लक्ष्मी को भी ऐसा ही दिखाते हैं। अब वंडर लगता है मनुष्यों की बुद्धि कैसी है। बाबा ही सत्य मत देते हैं अपने साथ मिलने के लिए, बाकी तो यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, मुफ्त में पैसे बर्बाद करते रहते हैं। फिर क्यों कहते हैं पतित पावन आओ, याद क्यों करते हैं? गंगा जमुना नाले आदि कितने हैं, बाबा ने भी बहुत तीर्थ आदि किए हैं। अभी तुम मोस्ट बिलवेड लकी सितारे नरक स्वर्गों को जान गए हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, तो उनको भी समझाओ स्वर्ग किसको कहते हैं। हम जानते हैं तब तो समझाते हैं, हमको भी स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप मिला है, वह नॉलेज दे रहे हैं। हमारा कोई मनुष्य गुरु नहीं है, सदगुरु एक बाबा है, वही पतित पावन है जिसको बुलाते हैं। निराकार को ही बुलाते हैं ना, जिसको तुम ज्ञान सागर कहते हो, वह सत चित आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। हमको तो नॉलेज है नहीं, देखा भी जाता है उनके पास जो नॉलेज है वह कोई के पास नहीं है। तुमको कितना गदगद होना चाहिए। पतित पावन गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं, वह हमारा बाप टीचर सदगुरु हैं। इसमें गुटखा खाने की बात नहीं है, अपनी रचना को तो संभालना ही है। अगर यह आकर बैठ जाए यह तो सन्यासियों का ज्ञान हो गया। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम एक घंटा आधा घंटा निकाल सकते हो। पहले 7 रोज भट्टी में पढ़ना पड़े, 7 दिन कोई की याद न आए, कोई को चिट्ठी न लिखें, बिल्कुल सबको भूल जाना है। तुम बहुत वर्ष भट्टी में रहे फिर भी तकदीर, कोई को तो माया खींच लेती है, ऐसी माया प्रबल है। बाप कहते हैं बच्चे धीरे धीरे परिपक्व अवस्था में आते जाओ। तुम जानते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ सब धर्म है, वहाँ भी अलग अलग सेक्शन है, यहाँ भी ऐसे हैं वहाँ भी ऐसे हैं। बाकी मोक्ष किसको भी मिल नहीं सकता, ऐसे नहीं बुदबुदे मिसल आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, फिर तो सारा पार्ट ही खलास हो जाए, सब ज्योति ज्योत में समा जाए, खेल ही न चले। यह सब झूठ है, झूठ तो बिल्कुल झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। भक्ति में कोई मुख मीठा थोड़े ही होता है। तुम बच्चे जानते हो मुख मीठा कौन कराते हैं? तो बाप की पढ़ाई में पूरा ध्यान देना चाहिए। पुरानी दुनिया को देख लट्टू मत बन जाओ, देह अभिमान में मत जाओ। अब तो अपनी बैग बैगेज तैयार कर ट्रांसफर कर दो, अब यह दुनिया खलास होने है। बाबा कहते हैं सब कुछ इंश्योर कर दो। भक्ति मार्ग में करते हो तो अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है, समझते हैं ईश्वर ने दिया। अभी तुम भी देते हो तो बाबा फिर रिटर्न में देते हैं। डायरेक्ट होने के कारण तुमको 21 जन्म का इंश्योरेंस मिलता है। बाबा कहते हैं देखो हमने फुल इंश्योर किया है तो फुल राजाई मिलती है, वह है जिस्मानी इंश्योरेंस। यह है रूहानी बाप के साथ ईश्वर अर्थ दान करते हैं ना, तो ईश्वर रिटर्न में देते हैं। वह तो भक्ति मार्ग में भी दाता है तो ज्ञान मार्ग में भी दाता है। यह है बेहद की पढ़ाई, बेहद की बादशाही के लिए। अब जितना चाहो उतना लो, विश्व की राजाई ले सकते हो। पुरुषार्थ की जय है, कोशिश करो विजय माला में पिरो जाओ। मूंजते हो तो
तो सर्जन राय बताने वाला बैठा है। तुम जानते हो हमने अनेक बार बादशाही ली है और गवाई है। यह ज्ञान अभी है, सतयुग में फिर भूल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखिलते रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, पुरानी दुनिया को देख लट्टू नहीं बनना है। अपनी बैग बैगेज ट्रांसफर कर देनी है, अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। दूसरी पॉइंट है, कोई भी वस्तु में अगर ममत्व नहीं है तो फिर कौड़ी से हीरे जैसा बनने की सेवा करनी है। दान करने से ही ज्ञान धन बढ़ेगा। आज का वरदान है निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले। एवर रेडी नष्टो मोहा भव। निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले। एवर रेडी नष्टो मोहा भव। विश्लेषण है, एवर रेडी का अर्थ ही है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। उस समय कोई भी संबंधी अथवा वस्तु याद न आए, किसी में भी लगाव न हो, सबसे न्यारा और सबका प्यारा, इसका सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाव। निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता है। मेरा परिवार है, मेरा काम है, नहीं मैं निमित्त हूँ। इस निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, ब्रह्मा बाप के संस्कार को अपना संस्कार बनाना ही, फॉलो फादर करना ही। ब्रह्मा बाप के संस्कार को अपना संस्कार बनाना ही, फॉलो फादर करना ही। अच्छा, ओम शांति।